भैया जी, वो आपकी बीवी? नहीं नहीं आपकी नहीं। खड़ो, क्या बोल रहे हैं? मेरी बीवी बताता या दूं मुक्का एक? अरे भैया जी, आपकी बीवी ना आपके ऑफिस जाने के जस्ट बाद किसी आदमी को घर पे बुलाती है, तब आपके आने का टाइम होता है तब उसको भेज देती है। तुझे कैसे पता? तू मेरी बीवी पे नजर रखता है? हां सिक्योरिटी। और भैया जी बताओ, आदमी की सबसे कीमती चीज क्या होती है? उसकी बीवी। मैं तो बस उसी का ध्यान रख रहा हूं। और भैया इतना ही नहीं, ये नहीं है कि वो ही घर पे आता है, कई बार तो भाभी भी उसके साथ चली जाती है। पूजा, पूजा! अरे क्या हो गया, तुम क्यों चिल्ला रहे हो? क्या ड्रामा चल रहा है? कौन आता है यहाँ पे मेरे पीठ पीछे? हाँ तुम्हारे पीठ पीछे इस घर में? अबे पागल हो गए हो क्या, क्या बोले जा रहे हो? वही जिसके साथ तुम भी जाती हो, ये चल रहा है धोखा दे रही हो मेरे लिए? हाँ तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं दिन रात मेहनत करता हूँ तुम्हारे लिए और तुम यहाँ पीठ पीछे आशिकी कर रही हो? तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? कौन ही आएगा और ये क्या बोले जा रहे हो? तुम्हें तो पता है ना मैं सुबह से उठ के घर का काम करती हूँ, मेरे पास सास लेने तक की फुर्सत नहीं होती। पक्का कोई नहीं आता? पक्का, प्रॉमिस, मम्मी कसम, पापा कसम, तुम्हारी कसम, सबकी कसम। सिक्योरिटी गार्ड को ना छोड़ूंगा नहीं मैं आज। तो हेलो, उठ उठ। किसकी बीवी देख ली? मेरी बीवी तो मना कर रही है, ना मेरे घर पे कोई आया ना वो किसी के साथ गई। झूठ बोल रही है। और तू सच बोल रहा है? जी। अबे क्या सबूत है तेरे पास? उसको बता यार, उसने माँ की, बुआ की, चाचा, ताऊ, फूफा सबकी कस्में खा ली, जो पैदा नहीं हुए ना और जो मर गए उनकी भी कस्में खा ली। कुछ तो सबूत है जिससे मैं बोल पाऊँ उसे। हाँ हाँ है ना, सबूत है ना, देखो मैंने वीडियो बनाई थी। ए साले, ये मेरी बीवी नहीं है, थर्ड फ्लोर वाली गुप्ताइन जी है, मेरे घर में कलेश करवा देता। लेकिन मैंने तो कई बार आपको इनके साथ देखा है। ओह नो। हाँ तो अबे यार, मैं दिन भर में अगर 10 लड़कियों के साथ घूमूंगा तो सब मेरी बीवी हो जाएंगी? नहीं, मेरी बीवी तो एक ही है, ये तो मेरी सेटिंग है। हाँ मेरी बीवी रहती है सेकंड फ्लोर पे मेरे साथ, ये गुप्ता की बीवी है, ये रहती है थर्ड फ्लोर पे गुप्ता के साथ, लेकिन हम दोनों का काका फिट है। समझ में आया? अब पूरी बात समझा नहीं समझा? लेकिन भैया आपकी सेटिंग की भी ना एक और सेटिंग है। हाँ तो होन देना भाई, सबके अपने अपने हथकार है यार, जिसका मन है जो मन है रखने दे, जितनी भी सेटिंग हो, तू सिर्फ अपने काम से काम रख। किसी की बीवी का ध्यान रखने की जरूरत तुझे नहीं है, हर आदमी अपनी बीवी का ध्यान रख सकता है, और जो नहीं रख सकता उसका ध्यान मैं रख लूंगा। समझ में आया? बिल्कुल चुप। सुन, तो पति को जाके ना बता दियो तुम्हारी बीवी की एक और सेटिंग है। टेंशन मत लो, सब सुन लिया मैंने।